हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं पेशी यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि एडमिशन मिल गया है बासित को। अभी वो हॉस्टल देखने जा रहे हैं सब लोग पूरा। कल रात को मामा मामी अफान अफीफा सब लोग आ गए थे, अभी निकल रहे हैं हम लोग कॉलेज को। बहुत लेट हो गया, चलो निकलते। हम लोग पेशी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं बिकॉज बासित को आज एक काउंसलिंग था एंड आज उसका एडमिशन तो कंफर्म हो चुका है एंड हॉस्टल सिलेक्शन वो सब कुछ देखना है, इसीलिए हम लोग सारे लोग आए हैं उसका हॉस्टल कॉलेज सब कुछ देखने के लिए। एंड ये पेशी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा है कि मोस्टली लाइक 6 to 7-8 ब्लॉक्स है शायद। एंड बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी, लाइक बैंगलोर में रेस्पेक्टफुल यूनिवर्सिटी है ये। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बासित का एडमिशन सब कुछ हो चुका है एंड एक डॉक्यूमेंट मिलना बाकी था। वो डॉक्यूमेंट ना एक लॉयर से अफिडेविट चाहिए कि लाइक हमारा लड़का कोई रैगिंग नहीं करेगा कॉलेज में एंड ही इज़ वेल मैनर्ड एंड वेल बिहेव्ड करके एक सर्टिफिकेट चाहिए था लॉयर से। वो सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं था, बासित को मेल आया था बट उसे समझ नहीं आया बट क्या करना है करके, इसीलिए यहाँ पे बासित लाइक 1 आवर से लाइन में रुका था। एंड फाइनली वो सबमिट करते वक्त वो बोले कि नहीं लॉयर का अफिडेविट चाहिए करके। एंड अभी अंकल मामा अफान गए हैं लॉयर के पास एंड बाकी हम सारे लोग जा रहे हैं कॉलेज देखने के लिए। कॉलेज लाइक बहुत पुराना है एंड अभी इसको री रेनोवेशन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में अभी काम चल रहा है फिलहाल। ये है इस यूनिवर्सिटी का इंडोर स्टेडियम, कितना बड़ा है बासित। साइकिलिंग ट्रैक है, वो बास्केटबॉल कोर्ट है। हम लोग अभी बेसमेंट के फ्लोर नंबर 1 में आए हैं एंड यहाँ पे देखो कितना बड़ा जिम है। यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सारा कार्डियो का इक्विपमेंट है एंड नीचे के फ्लोर में सारा वेट लिफ्टिंग का है एंड यहाँ पे पलाटिस का भी है। देखो एंड यहाँ पे चेस बोर्ड भी है बट उसके उसे क्या बोलते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं रहा उसे क्या बोलते हैं। कॉइन्स बोलते थे इसे, क्या बोलते हैं फिर, क्या कि वो सब भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ लॉक करें वो सब भी अंदर रखो, लॉक पे ही रखो। वुडन मैग्नेटिक पे है ना, वे मैग्नेटिक पक्का है। अभी हम लोग कैफेटेरिया जा रहे हैं, बेसमेंट मतलब ग्राउंड फ्लोर के सेकेंड पार्ट में ही हम लोग। एंड लाइक नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर रहता है ना वो 3, उसके नीचे और भी 3 फ्लोर्स है एंड हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जिम सब कुछ देख लिए, सेकेंड फ्लोर में बैडमिंटन कोर्ट वो सब कुछ था एंड उसके ऊपर आई थिंक कैफेटेरिया का एक्सेस है एंड वहीं पर अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑफ द कॉलेज देख लिए हैं। सब लोग को भूख लग रही है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही उठ गए हम लोग। मैं तो थोड़ा ही नाश्ता खाया हूँ, फ्राइड राइस या कुछ बोलते हैं उसको, पलाव टाइप में खाया हूँ। अभी सब लोग को भूख लग रहा है एंड ये लोग कहीं B2 या B3 फ्लोर में है, मैं यहाँ पे नज़दीक में कैफेटेरिया को नज़दीक में वेट कर रहा हूँ। वो लोग के लिए नहीं आ रहे अभी। वो लोग कॉलेज तो पूरा देख लिए, मोस्ट ऑफ द कॉलेज तो देख लिए, अच्छा लग रहा है कॉलेज तो, नाइस।
बहुत बड़ा है एक्चुअली, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ओल्ड भी है ना कॉलेज, 30-40 years से रेपुटेशन भी अच्छा है कॉलेज का, प्लेसमेंट भी अच्छा है करके बोल रहे, देखते हैं कैसा जाएगा 4 बरस। बस कैफेटेरिया का एड्रेस भूल गया है, हम लोग को पूरा कॉलेज फिराया था, अभी मामी कंप्लेन कर रही थी, शाम में हम लोगों को शॉपिंग के लिए फिरना भी पड़ेगा, अभी पाँव दुख रहे, फिर डबल पाँव दुखेंगे घर के। दिस इज द कैफेटेरिया ऑफ पेस यूनिवर्सिटी। हम लोग कैंटीन में पहुंचते साथ ही आफिफा पूछी कि डार्क चॉकलेट ब्राउनी चाहिए करके, एंड बासित जाके वो लेके भी आ गया। वो लोग ब्राउनी को थोड़ा हीट करके दिए थे एंड खाने में काफ़ी टेस्टी थी ब्राउनी, एक ब्राउनी में हम लोग सारे लोग शेयर कर लिए। चॉकलेट ब्राउनी अभी सना टेस्ट करेंगे। हम लोग सुबह आए हैं अराउंड 9:30 AM, अभी अराउंड 7:30 PM हो रहा है टाइम। इतना टाइम लगा कि मेरा बीटेक का हॉस्टल टाइमिंग में भी मेरे को लाइक जल्दी से रूम मिल गया था, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा, ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स तो 100 लोग ही थे एंड स्टाफ भी ऑलमोस्ट 10-12 पीपल थे, पता नहीं ये लोग क्यों इतना लेट कर रहे करके। एग्जॉस्टेड बोथ ऑफ देम एंड मी टू, सब लोग एग्जॉस्ट हो गए। मॉर्निंग 9:30 से अभी 7:30 हो रहा है। हम लोग दफर में भी कुछ भी नहीं खाए थे, हम सोचे थे कि अंदर कैंटीन्स रहेंगे करके, बट कैंटीन्स पूरा क्लोज है क्योंकि यहाँ संडे है। तो मैं और अफन जाके बाहर खा के आए थे एंड बासित तो कुछ भी नहीं खाया और मामा मामी कोई भी नहीं खाए। सना मामा मामी ये लोग तो बाहर गए अभी मल्लेश्वरम में कुछ शॉपिंग करने के लिए एंड वहाँ से वो लोग घर जाएंगे। अभी हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हैं। Later. Hello guys, this is the next day. So yeah, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, मैं और सना फर्स्ट टाइम बैंगलोर में बाइक पे जा रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स के पास, क्योंकि हम लोगों को एक वॉशिंग मशीन लेना है, फ्रिज तो है एंड टीवी आ गया है, फ्रिज एंड टीवी दो भी है, पलंग भी आ गया है एंड वॉशिंग मशीन इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ पेंडिंग, वो भी ले लेना करके मैं ही प्लान कर रहा हूँ। ऐसे भी ये नया मंथ शुरू हो गया तो मैं ले सकता हूँ करके सोच के अभी जा रहे ट्रेंड्स को, मी एंड सना, सना इज़ हियर। Hello guys, naya lift hai. This is the lighting setup. अच्छा है लिफ्ट में एंड एक फैन भी है लिफ्ट में। लिफ्ट में उतरने के बाद इनको यहाँ आते बाइक की कीस नहीं ला लूं बोलते। अभी हम लोग फिर लिफ्ट में हैं, फिर लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर में जाके फिर से ऊपर जा रहे हैं। शायद ये लोग ये व्लॉग हमारे ओनर्स नहीं देखे तो अच्छा होगा। दो बार यूज कर रहे ना लिफ्ट, ओपन कर रहे। My bike after almost 25 days के बाद मैंने बाइक पे हूँ, अभी राइड के लिए जा रहे हैं मैं और सना। कौन सा भी बिल्डिंग हो, कौन सा भी फ्लोर हो, आराम से लिफ्ट मिल जाएगा बैंगलोर में, ये अच्छा पसंद है मेरे को। अभी हम लोगों का बुकिंग कंप्लीट हो गया है, 2 दिन में आ जाएगा आराम से। अभी हम लोग कुछ स्नैक्स खाने जा रहे हैं यहाँ पे, अगर स्नैक्स नहीं है तो हम लोग कुछ वेजिटेबल्स लेके सीधा घर जाके बनाने के खा जाएंगे। A szemében a koncentrál.
सेंसर लाइट्स भी है हमारे पास, मतलब ओनर के पास, हमारे पास नहीं। अभी हम लोग घर के पास आ गए हैं। मैं आते सो टाइम में मैंने एक जीरो बल्ब लिया हूँ, इनफैक्ट सना ली है। एंड जीरो बल्ब लेने के बाद मुझे पता चला कि जीरो बल्ब का कास्ट 50 रुपीस होगा करके। नहीं, ये फिलिप्स का। अच्छा, फिलिप्स है इसीलिए शायद इतना कास्ट है ये। अच्छा, इसके ऊपर 70 रुपीस है एमआरपी, देखो। 70 रुपीस का 50 रुपीस को दिया, मतलब उस शॉप वाले को कितने को आगे रहेगा? 25 रुपीस, 30 रुपीस बता दो मुझे। एंड ये वाला यहाँ पे रखना है या बेडरूम में रखना है, कहाँ पे रखना है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। ओके, यहाँ पे रख देंगे, इसको होल्डर में रख देते। ओ वाओ, ऑन में ही था ये। हे, नाइस। कल मामा उनो मामी उनो आए थे तो ये पूरा हम लोगों को निकालना पड़ा, तो ये पूरा एक्स्ट्रा दिख रहा है हम लोगों को। चलो इसको ऊपर डाल देते, ऊपर तो स्पेस मस्त है। देखो घर में ये पूरा पलंग डालने के बाद भी इतना प्लेस है, मैं तो सोचा भी नहीं हूँ कि इतना बड़ा होगा ये रूम, घर के बेडरूम। डिनर खा, अभी डिनर खाने का टाइम है। यहाँ पे है चिकन पकौड़ा। टीवी आने के बाद से पास्ट 15 डेज से शायद सना और मैं आज ही कम टाइम देखे है टीवी। टीवी बहुत कम टाइम ऑन में था, एंड इनफैक्ट अभी ऑन करा हूँ मैं ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स के बाद, क्योंकि कल मामा मामी ये लोग पूरा आ गए थे ना, तो वही मूड में है अभी हम लोग। सड़न से चले गए, सड़न से आ गए, तो थोड़ा मिस कर रहे सब लोगों को। अभी डिनर कर लेते हैं।